दोस्तों, क्या आप खांसी से परेशान हैं? सर्दियों में खासकर सर्दी और खांसी की समस्या बहुत बढ़ जाती है। कई बार खांसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यह रुकती ही नहीं है। अब आपके पास हर समय डॉक्टर तो अवेलेबल रहता नहीं है और हो सकता है कि दवाइयां भी आपके पास अवेलेबल ना हो। तो ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसा साधारण लेकिन प्रभावी तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी खांसी से 2 मिनट में छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके में आपको किसी भी प्रकार की दवा खाने की जरूरत नहीं है, न ही किसी सामान की आपको जरूरत पड़ेगी। यह एक प्राकृतिक और बहुत ही जल्दी असर करने वाला तरीका है, तो एक बार इस तरीके को करके देखिए, आपकी खांसी जरूर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सर्दियों में खांसी और जुकाम बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार यह इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि न केवल आपके शरीर को थका देती है बल्कि आपका पूरा दिन भी खराब कर देती है। दोस्तों, आज जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, इस नुस्खे को आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसको करने के तुरंत बाद ही आपको आराम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नुस्खे को। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने अंगूठे की मदद से अपने यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये कॉलर बोन बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये जो हड्डी देख रहे हैं उठी हुई, इसी हड्डी के पास अपने अंगूठे की सहायता से ऐसे करके प्रेस करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 30 सेकंड तक लगातार प्रेस करना है और जब प्रेस कर लेंगे तब आप इसको ऐसे रिलीज कर देंगे। ध्यान क्या रखना है, ये कॉलर बोन होता है, इसी के पास ये हड्डी है, ये उठी हुई हड्डी आप देख रहे हैं, बस यहीं पर जो यहां पर जो गड्ढा जैसा हल्का महसूस भी हो सकता है, तो यहीं पर आपको आपको दबाना है 30 सेकंड तक अंगूठे की मदद से। अंगूठा का क्या ध्यान रखना है कि अंगूठा का जो नाखून है वो बारीक कटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है अपने छाती के बीचों बीच, यहाँ पे एकदम बिल्कुल ये जो छाती है आपका सीना, इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर जो गड्ढा सा दिख रहा है, बस इसी गड्ढे पर अपने अंगूठे की मदद से आप इस प्रकार से ऐसे दबाएंगे। अभी दिख रहा है आपको, तो ऐसे ही दबाना है 30 सेकंड तक दबाना है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ। तीसरे और आखिरी पॉइंट में जो ये हमारे गले का जो उभरा हुआ है ना हिस्सा, यहाँ पर तो टेटवे के पास, यहाँ जो टेटवा देख रहे ना, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहीं पर आपको अपने दोनों अंगूठे की मदद से इस प्रकार से दबाना है। इसको भी आपको 30 सेकंड तक दबाना है। दोस्तों, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान से याद रख लेना है, इन तीनों पॉइंट पे आपको 30-30 सेकंड तक दबाना है। आप इसको करके देखिए, आपको करते ही राहत मिलेगा। अगर आप खांसी की कोई दवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप इसको उसके साथ कर सकते हैं। सर्दियों में खांसी से राहत पाने के लिए ये बहुत ही साधारण और बड़ा ही आसान सा तरीका है, इसको आप एक बार करके देखिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह तरीका काम आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब आपको इस नुस्खे से लाभ प्राप्त हो, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको जुकाम से निपटने का ऐसा ही साधारण तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी के साथ जुकाम से भी राहत पा सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस नुस्खे से आपको कितना राहत मिला। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।